जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। इस वाकये में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली तौर पर जख्मी हो गए। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया। जिला पुंछ की पुलिस मंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए है। पुंछ पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दो मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6 किलो हेरोइन को जब्त किया गया। नंगली साहब इलाके में पुंछ पीएस के एसएचओ इंस्पेक्टर रंजीत राव सिंह की निगरानी में नाका चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई। सरलपटालिन 5 जेप्लेक्सिन को काफी मदद मिला। यहां तक आपने कहा कि कितने रोकथाम है, काफी हद तक रोकथाम है, लेकिन एक चीज और बताऊं कि पिछले दिनों हमने किसमें पीएसएपी में एक शख्स को बांध किया जो असद राज से इलाका पुंछ में नशे की खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व था। पर्चे भी लगे लेकिन बाद में आने पर हमने उसको PTNDPS में एक मखसूस अवधि के लिए बंद कर दिया। इस साल हमने और भी 3 पीएसए भी लगाए उन लोगों के खिलाफ जो OGW और नशे में इन्वॉल्व थे। यहां तक आप कह रहे हैं कि कौन लोग इन्वॉल्व है, जो किसी भी चैनल से किसी भी माध्यम से हमारे नोटिस में आ रहा है हम सख्त कार्रवाई करेंगे। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रग्स इस पार भेजी जा रही है, लेकिन पुंछ पुलिस लगातार जो है इसकी हरकतों को नाकाम कर रही है। आज भी एक बार फिर पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई ड्रग्स जो है पुलिस ने पकड़ी है और करीब जो है 6 किलो हीरोइन जो है वो पुलिस ने बरामद किया और 2 लोगों को पकड़ा है। 2 लोग जो नियंत्रण रेखा के फेंस के उस पार रहने वाले हैं और ये जो एक बड़ी कामयाबी है पुंछ पुलिस की जो इस तरह से नशा तस्करों के साथ इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स पकड़ी गई है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान जो है आतंकवाद के साथ अब ड्रग्स को इस तरह भेज के हमारे युवाओं को और देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल हमारी पुलिस जो है उसको नाकाम बना रही है। और एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले 2 महीनों में 30 किलोग्राम से ज्यादा जो है ड्रग्स पुंछ जिले में पुंछ पुलिस ने पकड़ी है और ये एक बड़ी कामयाबी है जो कि आने वाले समय में हमारे युवाओं को हमारे देश को बचा सकती है। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। उधर पुलिस स्टेशन बीरवा ने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से ममनुआ मादा यानी चरस और नशीली गोलियां जब्त की गई। मीरपुरा में मामूल के दौरान नाके के दौरान बीरवा पुलिस ने इन 2 अफराद को रोका और उनके पास से गैर कानूनी मंशियात और नशे की दवाइयां पाई गई। इन दोनों की शिनाख्त अथर सादिक नजार और गुलाम नबी भट्ट के तौर पर की गई। दोनों बीरवा के रिहायशी हैं। पुलिस ने दोनों को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया है। इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज है, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर बडगाम पुलिस ने आवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि वो मंशियात फरोशों की इत्तला पुलिस को दें ताकि इस नासूर को जड़ से खत्म किया जा सके। स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर हुकूमत काफी इकदाम उठा रही है। नौजवानों को रोजगार के हवाले से खुद कफील बनाने पर सरकारी सतह पर कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने ITI अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ पेशेवर कोर्सों में तरबियत पाने वाले तलबा और तालिबात से भी तबादला ख्याल किया और पेशेवर कोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों की दिलचस्पी को यकीनी बनाने के लिए मुतालिकीन पर जोर दिया। तो जब हम हलाल रोजी कमाएंगे उसके बाद डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने वालिदैन को भी सपोर्ट करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, समाज की खिदमत करेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। बच्चे को नशे की तरफ दूसरी चीज़ की तरफ क्यों जाएंगे जब उनको कारीगर, आपने किसी कारीगर को बेकार देखा, किसी कारीगर को नशा करते हुए देखा है? उसके पास ये फुर्सत ही नहीं है फालतू खराफात के लिए। तो हमें बच्चों को अपने कारीगर जो है स्किल देनी चाहिए जिससे वो बेदस्तोपा ना हो। इसका है इस वक्त ITI में हम 71 स्किल कोर्सेज देते हैं जो DGT के अप्रूव्ड है। यहाँ अनंतनाग में 20-22 कोर्सेज, हमारे पास जगह की कमी है। हम सोचे अगर यहाँ या शाहजीपुरा मंडी शिफ्ट हो जाती बेटर था, नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे मल्टी कैंपस और भी जगह लेके DC से हमें इनको एनेबल करना है। हमने इसमें शिक्षा ऐसे देनी है, स्किलिंग स्कूल से ही शुरू करनी है। सामग्री शिक्षा हमने शुरू भी किया है, वो बहुत काफ़ी फंडिंग वहाँ अवेलेबल होती है, लेकिन फोकस हिसाब से अगर हम इसको कन्वर्जेंस करें कश्मीर टू केरला सब बच्चों के लिए, यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस को ग्लोबल जो है उसको रेप्लिकेट करके ये करना। हमारे पास वेदर कॉन्स्टेंट है, हम सेंट्रल हीटिंग कर सकते हैं, बाकी बुखारियाँ यूज़ कर सकते हैं विंटर।
जिला पुंछ के सबसे बड़े वॉलीबॉल क्लब शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने एक महीने के लिए वॉलीबॉल समर कोचिंग कैंप की शुरुआत की है। इसमें जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। कैंप की सदारत क्लब के बानी मोहम्मद तारिक खान ने की, जबकि आर्मी ऑफिसर कर्नल एमपी सिंह मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। मेहमान खसूसी कर्नल एमपी सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात करके इस कैंप का इफ्तिताह किया। रखते हैं पुंछ के यंगस्टर्स के साथ। मेरा अपॉइंटमेंट ऐसा है कि मैं ज़्यादा टाइम खेल में नहीं लगा सकता, लेकिन स्टिल अगर आप मेरे हेडक्वार्टर में आओगे आप देखोगे कि वॉलीबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, कहीं ना कहीं मैं मौका देख के खेल लेता हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है, हमें न्यूज़ में पता चलता रहता है यहाँ के लड़के कितना अच्छा कर रहे हैं, मौका मिलता है हमें, हम टूर्नामेंट्स कराते हैं आप सबसे इंटरेक्ट करने में। हिम्मत नहीं हारनी, मतलब एक स्पोर्ट्स चीज सिखाती है, लास्ट मोमेंट तक जब तक आप नहीं हारते तब तक हिम्मत नहीं हारनी। सेम हम फौज में इसी जज्बे से हम काम करते हैं, लास्ट मैन लास्ट राउंड, जब तक है तब तक हम लड़ेंगे। सेम जज्बे के साथ आप खेलो, आप हमेशा सक्सीड करोगे। देखिए ये जो आप यहाँ पे आज इसकी कैंप की इनॉग्रेशन आपने देखी यहाँ पे, ये कैंप जो है हर साल शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब का जो एनुअल कैलेंडर है उसमें शामिल है, क्योंकि ये है जो जैसे कि जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन जो है ट्रायल निकालती है, तो उसके लिए बच्चों को हम प्रिपेयर करते हैं ताकि बच्चा जो हमारा यहाँ से पुंछ से चल के ट्रायल में जम्मू जाए तो वो वहाँ पे सिलेक्ट हो, ताकि बच्चा वहाँ से वापस ना आए, तो हमारी यही कोशिश रहती है। और दूसरा जैसा कि आपको पता ही है कि शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब जो है इसका स्लोगन है चूज लाइफ ना ड्रग्स, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि इस यूथ को हम जो है बुरी आदतों से बचाएं और खास करके ड्रग्स से। ड्रग्स जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पूरे माशरे को उसने घेर रखा हुआ है, तो बहुत सी एजेंसियाँ ऐसी हैं जो इसको हमारे इस यूथ में जो है इसमें फैलाना चाहती हैं, तो हमारे यूथ को अगर ड्रग्स से हमने बचाना है तो मैं नहीं समझता कि स्पोर्ट से बड़ा कोई और माध्यम है, तो मैं पेरेंट्स से भी और पूरी सोसाइटी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों को जो है वो ग्राउंड्स की तरफ रागिब करें, चाहे कोई भी गेम, चाहे वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम खिलाओ, बट बच्चों को जो है वो ग्राउंड में लाओ, ताकि हमारे बच्चे जो है ड्रग्स जैसी लाने से बच सकें। यहाँ पे जो वन मंथ का लॉन्ग कोचिंग कैंप शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसके बेनिफिट से जितने भी रिमोट इलाके से बॉर्डर एरिया से लड़के आते हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाते हैं, इनको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे हमारे पास कोचेज लेवल 2 FIVB कोचेज हैं, और जितना भी हाई लेवल टेक्निक है, एडवांस ट्रेनिंग है, वो सब यहाँ पे दी जाती है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे लड़के ट्रायल्स के लिए जाते हैं नेशनल टीम के लिए वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और शहीद मंजीत सिंह क्लब में इस वक्त मोर देन 50 ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इतना उम्मीद है कि हर साल यहाँ से जितने भी नए लड़के आते हैं उनमें से अगर 10 आएंगे उनमें से 7-8 लड़के नेशनल खेलते हैं और एक्सेल करते हैं। यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज की जानिब से पामपुर में जिस्मानी तौर पर नाखेज बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद इन बच्चों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया कराना रहा। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स जोन पापुर, तो आज हमने मुनक्किद किए हैं पैरा स्पोर्ट्स, जो डिसेबिलिटीज बच्चे हैं पूरे पापुर जोन में, तो उनको हमने जमा किया है यहाँ पर और इनका एक टूर्नामेंट यहाँ अमल में लाया गया, जिसमें हमने क्रिकेट, वॉलीबॉल और रनिंग इवेंट्स, रिक्रिएशनल गेम्स या बाकी जितने भी इवेंट्स थे यहाँ पर उनको अच्छी तरह से वो कराए उन बच्चों में, और उन बच्चों में इतना आज हमने देखा है उतनी खुशी और उतनी मसरत उनके चेहरों पर आज आ गई, जब उन्होंने रनिंग की है, जब उन्होंने एक्सरसाइज की है स्पोर्ट्स में, और उन्होंने बड़ा कुछ रिस्पांस दे दिया है। हालांकि ये जो हमारे डिसएबिलिटीज़ ये भी हमारे समाज के एक अंग है, और उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है इस इवेंट में, तो मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं है कि जोन पापोर में। और दूसरी बात यह है कि जो इनके डिसेबिलिटीज़ जो इनकी एसोसिएशन है, तो उनके जोमा को हमने भी बुलाया है, और उनमें तकरीबन 70 साल का एक बुज़ुर्ग था, और जो इनका सेक्रेटरी है सांबोरा से पापोर जोन का, तो वो भी आए थे, तनवीर अहमद। तो मैं सबको अपने जोन की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और आज के दिन के हवाले से और इस इवेंट के हवाले से मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूं।
जीएनए यूनिवर्सिटी ने टीआरसी पुडवान शोपिया में जम्मू कश्मीर के एजुकेशन काउंसलर्स के लिए बिजनेस पार्टनर मीट कम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उम्मीद इंटरनेशनल ग्रुप के इश्तराक से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद तलबा की रहनुमाई करना रहा, कौन से कोर्सेज मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद रहेंगे यहां इस बात पर रोशनी डाली गई। प्रोग्राम में एजुकेशन काउंसलर्स मुख्तलिफ असातिज़ा के अलावा माहिरीन तालीम ने शिरकत की। ख्याल रहे कि जीएनए यूनिवर्सिटी न सिर्फ तलबा को मयारी तालीम फराहम करती है बल्कि मुलाजमतों में तकर्री के बेहतर मौके भी फराहम करती है। जीएनए यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया है इन कोलेबोरेशन विद उम्मीद इंटरनेशनल ग्रुप जो कि गागरिन शोपियान में मुनक्कद है। तो इस प्रोग्राम का हमारा यही मकसद था कि यहाँ के यूथ को अवेयरनेस दे कि आपको राइट टू एजुकेशन कैसे मिलेगी, आपको प्रोफेशनल कोर्स में कैसे आपको आगे जाना होगा। यहाँ जो बच्चे हैं वो बेसिकली 12th के बाद कॉलेज लेवल प्रेफर करते हैं बट उनको पता नहीं होता उनका असल में गोल क्या है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है जेएनए यूनिवर्सिटी, इनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट अगर हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इनको यहाँ पे जॉब गारंटीड 100% आफ्टर देयर कम्प्लीशन ऑफ कोर्स इनको जॉब गारंटी 100% मिलती है। लाइक बीटेक एरोस्पेस में, एरोनॉटिक्स में, रोबोटिक्स में, या हम होटल मैनेजमेंट की बात करेंगे उसमें, पैरामेडिकल में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पैरामेडिकल वन ऑफ द नॉर्थ इंडिया में सबसे बढ़िया लैब है जेएनए यूनिवर्सिटी के पास। इनके पास स्पेशलिटी बहुत सारी है, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन है इनके पास, बीएससी मेडिकल फिजिक्स है इनके पास और बहुत सारे कोर्स है। ऑनर्स एक वाहि यूनिवर्सिटी जो ऑनर्स कराती है प्रोफेशनल कोर्सेज में। खबर राजौरी से है जहां के वार्ड नंबर 4 में नाले का पानी घरों में दाखिल होने से मकामी लोगों ने म्यूनिसिपल काउंसिल राजौरी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना रहा कि म्यूनिसिपल काउंसिल राजौरी की जानिब से नाले की मरम्मत नहीं की गई जिसकी वजह से बारिश के दिनों में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना है। म्यूनिसिपल काउंसिल राजौरी के चेयरमैन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जल्द ही दीवारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी जाएगी। जो हर तरफ तीन तरफ पानी जा रहा है, तीनों तीन तरफ है पानी बंद कर दिया और साले अंदर देखो साले अंदर क्या हालात है, बच्चे साले रात डूब गए पानी भी समान साला वो बाहर पिया ना, तू देख सकते हो कोई गवर्नमेंट तो असं तवज्जो नहीं देनी कि भाई ये भी कोई नुकसान इतना बसने या कौन कोई बसने, कमेटी भी एप्लीकेशन देने वो भी आ रहे जी बस वो सामने आना चाहिए। काउंसिल हमारी तैयार है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहेंगे कि वहाँ पे ये जब तक ये इंक्रोचमेंट हटेगी नहीं तब तक इस पानी का कोई हल नहीं रहेगा। आप देखोगे रजौरी जो जितना भी पुराना रजौरी है उसके अंदर जबरदस्त तरीके से लोगों ने इंक्रोच किया है और दिन ब दिन हम ये शिकायतें सुनते भी हैं कि आप इंक्रोचमेंट जो है वो कभी कोई स्टेयर बना लेता है, कभी कोई अपना मकान का जो आगे जो छज्जा है उसको आगे निकाल लेता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए लोगों।